जे तुसी अरोग जीवन चाहते हो, जे तुसी चाहते हो कि तुहाडे जीवन में चुस्ती फुर्ती बरकरार रहे, तो फिर तड़के जागना पैना, तो आलस त्यागना पैना, तो कोई ना कोई कसरत करनी पैनी है। सब तो वड्डी गल तो है कि निरोग जीवन जीवन के लिए नशियां का त्याग करना पैना, बाजार दियाँ खास करके मैदे दियाँ ते तलियां चीज़ों तो छुटकारा पाना पैना, चंगी खुराक खानी पैनी है, तो उस खुराक नूं पचाउण वास्ते कसरत करनी जरूरी है। वो कसरत भावें ग्राउंड दे विच जाके सैर कर लो, शरीर नूं स्ट्रैच कर लो, तो जां योगा कर लो। जे तुसीं बाहर अंदर नहीं जा सकते तो फिर योगा करो, टीवी देख के कर लो, किसी गुरु तो ट्रेनिंग ले लो, जां किस तरह भी करो, पर थोड़ी बहुती कसरत तो करनी पैनी है। इस कड़ी तहत अज विश्व वाइड योगा दिवस मनाया गया है, तो अज मजीठे दे विच सरदार प्रदीप सिंह भुल्लर ते सरदार परमजीत सिंह जी पम्मा प्रधान, डॉक्टर तरसेम कुमार जी ओशो गोपाल की प्रधानगी हेठ मजीठा विखे योग दिवस मनाया गया, जिहदे विच बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है, तो योग नाल जुड़न का प्रण लिया। इत्थे ये भी दस्या जाता है कि मजीठे विच योगा जिहड़ा वो लगातार सिखाया जा रहा, सवेरे 5:30 बजे आरिया मंदिर मजीठा अते शाम नूं 5:30 बजे ज्ञान सागर स्कूल नागकलां विखे। सरदार राजवीर सिंह ने दस्या कि मैं दोवें टाइम ते जाके योगा सिखाउणा, जे किसी ने योगा नाल जुड़ना होवे तां फिर आरिया मंदिर मजीठा ते ज्ञान सागर स्कूल नागकलां, सवेरे आरिया मंदिर ते शाम नूं 5:30 बजे ज्ञान सागर स्कूल विच जाईदा। इस करके आओ सारे जणे दुखां नूं दूर भजाइए, तो चंगिया लोगों नाल जुड़िए, अते वध तो वध कसरत करिए या योगा करिए। इस मौके प्रोग्राम के रूहे रावां सरदार प्रदीप सिंह भुल्लर वल्लों कहा गया कि शरीर तुहाडा है, जान तुहाडी है, इस नूं सांभणा ते इस नूं निरोग रखना तुहाडा फर्ज बनदा है, इसलिए अपने शरीर नूं निरोग रखण दे लई योगा दे नाल जुड़े रहो। अते उन्हां वल्लों कहा गया कि मैं हलका मजीठा दे लोकां दी सेवा विच हर वेले तत्पर हाँ। हाँ जी बापू जी, योग करना तुहानूं की फायदे होए ने? योग करन दे नाल एक नवीं जिंदगी मिलती है। योग करन दे नाल मैं गांव दे नाल मैं चलता हाँ, गोडे जिते सब सारा शरीर जान से हूँ, सारा शरीर है बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर बी पी हार्ट सब बिल्कुल सही है। तो मतलब पौड़ियाँ चढ़निया मैं मेरे घर वाले ना थले कमरा तैयार कर दिया बापू तुम्हें मुश्किल होनी है, तो मैं उन्होंने कहा हाथ खिलाड़ी मैं कि पौड़ियाँ चढ़ के देख लो, जो पहले चलूगा वो पढ़ूगा, तो जरा मगरों चलूगा थले होगा। अच्छा मैं दो एक एक स्टैप चढ़, मैं दो स्टैप चला, मतलब इन्ने गोडे चिट्टे सारा सी इन्ना तंदुरुस्त हो जाता, जिंदगी जीवन का एक मजा आ जाता। उम्र कितनी है जी इस वेले? जी 80 तो उपर जा रही है, 85 से चल रहा है। साल तो योग कर इतने ही किया, ना ना 9 साल तू कितने साल? मैं भी तकरीबन इन्ने के हो गए, 9 साल हो गए। बाकी एक ना खास करके बुजुर्गों को मेरी यह बेनती है कि बुढ़ापे के वजह सारे का शरीर जरा ना कमजोर हो जाए, अगर तुम योग करते रहोगे ना कभी भी शरीर में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, और पहला टाइम तो हम याद आ। इस करके मेरी तो सारे यह बेनती है, अपने छोटे बच्चे है जो तुम छोटे बच्चों इस लाइन च पा दौ, और लिखती गरंटी है कि कभी बीमार नहीं हो रही है, कभी उन्होंने जोड़ नहीं दर्ज कर सारा सही रखता, जो जान है तो जान है। इस करके जान वास्ते अपने वास्ते जो शरीर तंदुरुस्त है तुम सब कुछ चंगा लगे, जो शरीर से डिफेक्ट है तुम कुछ नहीं चंगा, मेरी तो यही योग जरूर करो, अपने छोटे बच्चों जरूर इस बारे करो, खास करके बजुर्ग जो है वो ठीक है। योगा 20 मिनट अभी पहली बार मजीठे दे विच योग शिविर लगाया गया है, तो तुम की संदेश देना चाहोगे? इस योग के नाल घर विचों जिहड़ा हर तरह का रोग खत्म हो जाएगा, योग के नाल परिवार जिहड़े आ सुख शांति नाल रहणगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। ये ना ये योग जिहड़ा करना बहुत जरूरी आ हर आदमी वास्ते, यही योग करांगे तो निरोग रहांगे। साढ़े योगा दियाँ क्लासा मजीठे चल दियाँ पईयां वा, तो जिहड़ा इस वेले जिहड़ा जो आपां इकट्ठ कीता वा ये साढ़े पम्मे भाजी ते प्रदीप भाजी इन्हां दी बदौलत आ, इन्हां सानूं कहा भी नहीं तुसीं मतलब आ जिहड़ा जिहड़ी सारी संगत नूं जिहड़ा योग कराओ। सो पहली बार इतने मजीठे दे विच योग कराउण दा तुहानूं ख्याल कित्थों आ? ये ख्याल सानूं जी देश दे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हां ने योग नूं इंटरनेशनल लैवल ते प्रमोट कीता, उन्हां तों सानूं सिक्ख्या मिली, वो सिक्ख्या की बदौलत
असी ये योग दिवस मजीठे अज मनाया। असी अपने योग गुरु जिहड़े साडे ललित कुमार बॉबी जी ने इन्हां दा ते साडे नाकलां तों श्री राजवीर जी उन्हां दा इत्थे संगत नूं जिहड़ा उन्हां ने अज योग कराया उहदे लई इन्हां दा धन्नवाद ते इत्थे पहुँचण वालिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग, ये मैसेज अज दिता इत्थे। असीं ये मैसेज इस करके देना चाहुंदे आ कि साडा समाज जिहड़ा अज नशे दे विच गलतान आ वो नशे की दलदल चों बाहर आवे ते चंगा समाज सिरजा जावे, निरोग ते नशा रहित समाज सिरजा जावे। ये ताडे मीडिया के माध्यम राही भी असीं ताडे मीडिया के माध्यम राही मैसेज देना चाहुंदे आ कि साडा ये मैसेज घर घर पहुँचे। जिन्ना अज सानू प्यार मजीठे हल्के वालिया ने ते मजीठे शहर वालिया ने दिता ये असीं अपनी रहिंदी उम्र तक सदा याद रखांगे। तो इस तरह ही हर साल 21 जून नू योग दिवस मनाया जाएगा। आउंदे 21 जून नू इस योग दिवस नू वड्डे लैवल ते मनाया जाएगा। बहुत ताडा मीडिया वालिया दा धन्नवाद, बहुत शुक्रिया। वेखो तुम पहली गल तो प्रेस वाले बहुत धन्यवाद है कि तुम इन्नी सवेर के टाइम अर्ली आ के इतने सहयोग दिता तो कवरेज की आ। दूजी तुम इतने जिनी संगत आई आ उत्साह तो वेख लिया वा कि संगत विच पब्लिक विच कि उत्साह वा अपनी सेहत में वेख के ते योग दिवस में किन्ने उत्साह नाल मनाया गया। क्योंकि वेखो नरेंद्र भाई मोदी जी जो साडे प्रधानमंत्री जी आ उन्होंने जिहड़ा सद्दा दिता है योग वास्ते उहदे वास्ते लोगों की किन्नी मिलती है सोच कि लोगों की लोड़ सी, लोगों की मंग सी, समय की मंग आ। इस करके उन्होंने सद्दा दिता तो लोगों ने उन्होंने पूर्ण सहयोग दिता जी। मेरे ख्याल 250-300 बंदा इतने पहुँचा वा जी, सारा पैलस जिहड़ा वा भरिया होगा, तुम कवर की 250-300 बंदा है। हर साल ही मनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हर साल मनाया जाऊगा। भारतीय जनता पार्टी के झंडे हेठ अं ये योग दिवस मनाया वा। भारतीय जनता पार्टी जी सोशल मुद्दों वेखती है, लोग भलाई के मुद्दों, साडे जे प्रधानमंत्री साहब आ अमित शाह जी साडे गृहमंत्री आ, ये लोग मुद्दों पब्लिक के हितों मुख रख के सारे प्रोग्राम उलीकते हैं, प्रोग्राम देंगे आ। इस करके जोड़ा ये प्रोग्राम आगे सेहत जुड़ा हुआ प्रोग्राम सगा उन्होंने दिता वा, तो साड़ी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने सारे हल्के अज चविंडे भी यही मनाया जा रहा वा, जेठू नंगल मनाया जा रहा, मतेवाल मनाया जा रहा वा, मजिठे भी साड़ी भारतीय जनता पार्टी टीम ने सारे इन अगे ला के मनाया। योग बारे वेखो जी, ये जिनी देर नहीं किसी ने किया उन्नी देर ये बड़ी एक चंगी विधि आ तंदुरुस्त रहने वास्ते, अपने जीवन का चंगा निर्वाह करने बहुत चंगी विधि आ। कई सानू लोगों को पता ही नहीं इस बारे, जे जिहड़े बंदे अज पहली बार योग दे इत्थे क्लास विच आए आ उन्हां नू इस चीज़ नाल जुड़न दा मौका बने, जानन दा मौका बनिया वा, और अगे तो इस चीज़ नाल जुड़नगे, असीं वी इस वास्ते उपराला करांगे। वेखो इहदे विच पार्टी गल तां हैगी आ, साडे बॉबी जी आ जिहड़े साडे संघ नाल जुड़े होए आ, आर एस एस नाल जुड़े होए आ, वो आर्य समाज विच ऑलरेडी हर ऐतवार भी तो रोज़ उत्थे योग करवाउंदे आ, हर रोज़ योग कराते अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे, तो उत्थे बड़ी संगत आउंदी आ, एक टीम है जिहड़ी प्रॉपर काम करती उत्थे अगे चल रहा वा। हुण जिन्ने संगत नवीं आई आ उन्हां नाल जुड़न दा उपराला कीता वा, नागां विच भी राजवीर जी कर रहे।